3 दिन में बस एक बार लगा लो ये चीज, आपके बाल इतने भयंकर लंबे होंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने बालों को तेजी से लंबा करना चाहती हैं, उनको घना करना चाहती हैं और अपने बालों को सिल्की बनाना चाहती हैं, तो आज का ये नुस्खा 100% आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, इस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप अपने पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट, शैम्पू, तेल लगाना भूल जाएंगे। दोस्तों अच्छा एक बात बताइए, आप कितने ज़्यादा महंगे तेल और शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं? इसके लिए आप पैसे और समय दोनों ही खर्च करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। यह आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। फर्स्ट टाइम जब आप यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको फर्स्ट टाइम ही देखने को मिल जाएंगे। इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, साथ ही आपके बालों को मजबूत बनाएगा और आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करेगा और सिल्की साइनी बनाएगा। दोस्तों इसकी रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और बिना पैसे खर्च किए आप इस रेमेडी से अपने बालों की ढेर सारी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अगर आपको जरा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एलोवेरा। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा लीफ लिया हुआ है, आपको भी यहाँ पर एलोवेरा लीफ का ही यूज़ करना है। अगर नहीं है तो मैं वीडियो के आगे बताऊँगी कि आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा लिया है, इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। जिसका येलो वाला जो इसका जेल होता है, उस जेल को मैंने यहाँ पर हटा दिया था, मतलब इसको धोकर साफ़ कर लिया है, जिससे इसका येलो वाला जेल जो है वो भी निकल चुका है। और दोस्तों आपको इसको कट कर लेना है, जो इसके कांटे वगैरह लगे होते हैं साइड से उसको हटा देना है और इसको इस तरीके से इसका जो जेल है, इस जेल को आपको निकाल लेना है। दोस्तों एलोवेरा हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, चाहे हमारी वो स्किन हो चाहे हमारे बाल हो, दोस्तों दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों एक तो एलोवेरा को लगाने से हमारे बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं, जो आप महंगे ट्रीटमेंट पार्लर से करा कर आती हैं और उसके बाद आपको बाद में रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, रूखे हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा और आपके महंगे ट्रीटमेंट से आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एलोवेरा जेल को इस तरीके से निकाल लेना है, इसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल फाइन इस तरीके से इसको पीस लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें एलोवेरा के टुकड़े नज़र नहीं आ रहे। और इसके बाद आपको अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू लेना है, जो भी शैम्पू आप यहाँ पर यूज़ करती हैं वो शैम्पू आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा जो होता है वो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह विटामिन, एमिनो एसिड और खनिजों से भरा हुआ होता है, जो बालों को बालों के विकास में तेज़ी से मदद करता है और रूखे टूटते झड़ते बालों को मजबूत बनाता है। ये बालों में कंडीशनर की तरह कार्य करता है, इससे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं। दोस्तों अब आपको देखना है, यहाँ पर मैंने शैम्पू निकाल लिया है, पूरा एक सैसे शैम्पू का लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैम्पू ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट शैम्पू यहाँ पर हो वो शैम्पू आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करना है, दोस्तों एलोवेरा को हमने पीस कर रखा था, अब हम शैम्पू के साथ में एलोवेरा को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जो शैम्पू होता है इसमें कई सारे केमिकल्स मिले होते हैं, जो डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं अपने बालों पर, तो इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे भी हो जाते हैं, बालों के टूटने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है नींबू, तो आपको यहाँ पर आधा नींबू का जूस इसमें ऐड कर देना। दोस्तों नींबू हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी पाया जाता है, पेक्टिन और फ्लेवोनॉइड जैसे पोषक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आपके बालों की तेज़ी से ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा डैंड्रफ से आपको छुटकारा भी दिलाते हैं और आपके स्कैल्प की बहुत ही अच्छे से सफाई भी करते हैं। तो एक चम्मच नींबू का रस आपको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना। अभी आप देख सकते हैं कि
हैं, इसमें अच्छे से झाग भी बन रहा है। जब आप इससे अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी होंगे, जिससे आपके बालों का, जो हमारे बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं तो बाल हमारे उलझते कम है और उनका टूटना झड़ना भी कम हो जाता है। बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाती हैं और बालों की ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उलझते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे बालों में हेयर फॉल बढ़ जाता है और बाल जो है टूटने लगते हैं, जिससे ग्रोथ भी रुक जाती है दोस्तों। और इसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपको गीले पानी से गीला कर लेना है अपने बालों को, उसके बाद इससे अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इसको यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है कि जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको कि आप इसको लगाने से मना ही नहीं कर पाएंगे और हर बार आप यही रेमेडी यूज़ करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।